उनके 11 बच्चों में खराब दहशत गर्दी का दबा रखता है, जबकि वहां कोई दहशत गर्दी हुई नहीं। बच्चे नहीं के बैठ गए हैं, बैठने के बाद उन्होंने किसी ने नौ पढ़ा, किसी ने तकरीर की, बस 40 मिनट 30 मिनट इसी में पूरी इंतजामी मिल जाती है। मिलने के बाद उसके खिलाफ दबा कर, भाई 11 लड़के तो नहीं देना वहां पे, चल लड़के की क्या कसूर है भाई, जब उधर बैठना जुर्म था तो ये जुर्म में सब के सब इन्वॉल्व है। दहशत गर्दी का दबा लगता है तो सबके ऊपर दबा लगेगा, सिर्फ 11 को क्या नॉमिनेट किया जाता है। और फिर आप समझते के बच्चे कि आपके उन 11 साथियों को शियाओं के जुर्म में उन्हें दहशतगर्दी का दफा लगाया जाता है, यूनिवर्सिटी से उन्हें मुअत्तल कर दिया जाता है उनके साथियों को, और अब आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए दोबारा बुलाया जा रहा है। आए इंसाफ है, एक ही जुर्म करने वाले अगर उसको जुर्म समझा जाए, कुछ अपराध दरमेंट हो जाए, कुछ अपराध जाएगी उसके में पढ़े जान दे, ये इंसान है क्या? वैसे करने जाएंगे कैसे हो सकता है? ऐसे करने एक मुल्ला और फितनगर दहशतगर्दों के दबाव में आके पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में यह उसे मनाया जाता है, पाकिस्तान यूनिवर्सिटी में यह उसे मनाया जाता है। अगर कोई जुर्म होता है तो पूरे पाकिस्तान में जुर्म होता है, सिर्फ कानपुर यूनिवर्सिटी के अंदर क्यों जुर्म? इंतजामिया वही, गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत वही है, वो बल्तिस्तान की यूनिवर्सिटी में इनके जरिए असर है, यहाँ की यूनिवर्सिटी में इनके जरिए असर है, वहां के लिए अलग कानून, यहाँ के अलग कानून क्यों? कहा इसलिए क्योंकि वहां पर कोई फसादी मुल्ला नहीं है, यहाँ पे फसाद मुल्ला है। इंतजामिया को कोई मकबूल मसला नहीं है, इंतजामिया हमेशा अदल इंसाफ के साथ इकदाम उठाते हैं, लेकिन वो फसाद मुल्ला धमकियां देता है अगर मोहसिन मनाया जाए। जिस तरह पहले 5 अफराद जो मोहसिन मनाने के दौरान 1 सिविल और 4 फोर्सेस के बंदे शहीद करवा, ऐसे मुल्ला है और धमकियां देता है, तो इंतजामिया जल्दी जल्दी फितना फसाद से बचाने के लिए उनकी ख्वाहिशात, उनके मुतालिबात, उनके तादादों के ऊपर अमल दरामद शुरू हो। देखिए आपने इसी मुहर्रम के दौरान 12 बच्चों को गिरफ्तार किया, किस जुर्म में? मुल्ला और उसके दहशतगर्दों के दबाव में 12 बच्चों को किए गुस्ताख है साहब है, किस कानून के तहत के इंटरनेट में कोई बात हो गई वो गुस्ताखी में आ जाए? किसने कहा गुस्ताखी में आ जाए? किसने एक पोस्ट शेयर किया है उसके नीचे किसी ने अपने कमेंट्स दिए हैं, ये कौन सी गुस्ताखी है? कौन सी कानून? ये कोई कानून तो कोई नहीं है। फिर क्यों पकड़ा है? एनपीओ के तहत पकड़ा, एनपीओ के तहत पकड़ा, यानी एनपीओ दबाव जहां से आएगा वहां पर एनपीओ लगता है। तो फिर हम भी आज के बाद दबाव ही डाल देंगे, आप भी मौलवी को एनपीओ में बंद कर दो, इनके तंजीम के दहशतगर्दों को एनपीओ में बंद कर दो, धमाके के लिए आजादारी के लिए रुकावट बनते हैं, जान लगाने के लिए रुकावट बनते हैं, ये सभी लगाने के लिए रुकावट बनते हैं, ये माहौल दबाव है ताकि सबको दहशतगर्दों को बंद कर दो, ताकि हम आजादी से बंद कर दें। जब उनके दबाव में आके हम शिया नौखेस और छोटे छोटे तालिबानों को कभी दहशतगर्दी का दबाव लगाते हैं, कभी एनपीओ लगाते हैं, तो आप जब तुम दबाव में आए काम करते हो गैर कानूनी काम, तो फिर हमसे ज्यादा कोई दबाव नहीं रह सकते। जाए वो करमिल के एक दिन में पूरे उम्र में
करने से हुआ। तो ऐसे में सिलसिला खत्म होने वाला सिलसिला है। आईने हुकुम सामने मारूं
यहां कहते हैं आयों को कम नहीं देते हैं, तो फिर हमारी खुदी हैसियत को बाहर करें, सिलेक्ट सब्जेक्ट रूल को बाहर करें। ये बाहर से आगे जो उन्होंने यहाँ पे जमीनें खरीदी है और यहाँ पे आबाद हुए, मिसाइल बनाए, सबको भेज दो वापस। नहीं जाएगा क्योंकि आईनी हैसियत नहीं देना चाहते, तो हमारे खुदी हालत को बाहर कर दे। जो आप वापस दे देंगे कर्मदारों के इतने ही आप पावन हैं, तो फिर हमारी कोशिश हालत को बाहर कर दे, सिर्फ सब्जेक्ट रूल बाहर कर दे, और यहाँ पे दाखिले हम मुख्तारी हमें ले ले बस खत्म। वो भी नहीं, ये भी नहीं, क्या उनकी किसी है भाई, इनको गुलाम बना। तो ऐसे मौके पे शियान आलिम ने वितारित की जिम्मेदारी है कि आप जिस तरह एक मुल्ला जन सारे आले सुन्नत हमारे भाई हैं, वो कभी इस तरह नहीं करते। ये मुल्ला है और उसके साथ चंद दहशतगर्द हैं जो हमारे शोदा के खून में रंगीन हैं उनके हाथ, ये उनका काम है। लिहाजा इन मदालिम के खिलाफ सबको माफी दी जाती है, हमारे मजलूम बेगुनाह कैदियों को माफी की कोई गुंजाइश नहीं होती। गुज़िश्ते 15 सालों से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, करारदादे कर रहे हैं, इनके साथ जाके मुलाकातें कर रहे हैं, फरियादें कर रहे हैं, हमारी कोई नहीं सुनता है। क्यों हमने दबाव नहीं डाला है? हमने दहशतगर्दी करने के धमकियां नहीं दी है, हमारे दहशतगर्द तंजीमें नहीं है, हमने आसरा की जिम्मेदारी नहीं किया है, और इसलिए हमें बैल बकरी समझते हैं। तो आप जो है वक्त आ गया है, सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, हुकूक की वसूल के लिए हमें मैदान में आना है। हमने देख लिया हुआ है कि हमारे असीरों की लड़ाई नहीं होगी, पूरे गिलगित बल्तिस्तान में धरने होंगे जनों के लिए। आप धरने में बैठेंगे? छतों के ऊपर से नारे लगाए करोड़ों बना।
और यही होगा, यही होगा कल चेहरों की, अगर चेहरों की रात तक न बजे तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो गए तो रात को इंशाल्लाह ऐलान करके फाइनल 9 बजे अपने छतों के ऊपर निकल के फरियादे बुलंद करने अल्लाह अकबर लब्बे या हुसैन और या साहिब दीवान अली, पूरे गिलगित बल्तिस्तान में नारे बुलंद होंगे, उन्हें एहसास होगा चीख पुकार की आवाजें आज तो घरों के छतों से आएंगी, कल उनके ऐवानों के दरवाजों पर आएंगे। फिर उधर से मैं यहीं से था, वजीर दाखिला ने वहां से फोन किया, आगा साहब, आगा साहब मैं आ रहा हूं कल, बस खत्म करो, हटा दो इधर, अगले दिन पहुंच गया और कहा कि साहब मुताल बात का वो आपने भी धरने और जो एग्जैक्ट था उसको मौका दिया, हम क्या कर रहे थे हमारे मुतालिबात थे आप इसी तरह कल हमारे मुतालिबात तस्लीम होते हैं, हमें मुतमईन कर दिया जाता है तो फिर हमें कोई जरूरत नहीं कि दोबारा हम जो है इंतजार करें, बस आज इंशाल्लाह ये हर वक्त हमारे दुश्मन ने आज इतना जदी हुआ है, आलम कहाँ लगाना नहीं लगाना है वो दुश्मन बदल जाए, यौम हुसैन कहाँ पे मनाना है कहाँ पे नहीं मनाना है वो हमारा दुश्मन अदादारी हम कर रहे हैं, जुलूस कहाँ से निकालना है, अदादारी कहाँ पे करना है, आलम कहाँ पे लगाना है, यह मौसम किस दिन मनाना है वो बता रहे जिसे तब तरीके हम लोग करा दिए गए इतनी बड़ी कौम मिल्लत होने के बाद, लिहाजा मैं इंतजामिया से कहूँगा और उन दहशत गर्दों से भी कहूँगा कि आज तक तुमने बहुत हमारे मामला में मुदाखलत की, हमारे हर काम में तुमने क्या करा है, अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हम और हमारे हुकूमत के दरमियान के मामला में तुम जमान दराजी करोगे तुम्हारी जमान काट देंगे, टांग लगाओगे तुम्हारी टांग काट देंगे, हम जब तुम्हारे मामलात में काम नहीं आते तुम्हारे मामलात में मुदाखलत नहीं करते तुम कौन होते हो हमारे मामलात में मुदाखलत करने से, यही कम बचे हैं हम रोक सकते थे 140 अरब रुपए हम रोक सकते थे, चाहे तो एक दिन यहाँ पे इंतजार करते रोड बंद कर देते धरना देते खत्म, किसी को कोई एक आने भी नहीं मिलना था, हमने न सिर्फ उनके खराब आदमी नहीं की बल्कि हमने नमाज जुमे की खुतबे में उनकी बेवड़े बात की, जमीने उठाते हो तो फिर उनको आप कंपनसेशन भी दे दो, हम उनकी बेवड़े बात करते हैं और जब हमें कोई फायदा पहुंचना हो तो फिर ये आगे टांगी उठाते हैं, टांगी उठाते हैं कांच बकवास करते हैं दादादे करते हैं, लेकिन इसी दौरान हमने अपने असीरों की रहाई करने के लिए मौलवी ये असीर ने तुम्हारे बाप को कत्ल नहीं किया है, जब तुम आगे दरमियान में काम आते हो उनकी रहाई के लिए कुछ बदमाश और दहशत गर्दों को उठा के बैठते हैं, अगर शिया चेहरों में धरने देंगे तो हम ही धरने देंगे, ये कौन सा तरीका है, लिहाजा ऐसे मौके पे शियो आपको शबंदी देना होगा, आपको किन लगे उन्हें तनखियाँ की हम तालिबान लाएंगे हम मकासी के वादे को तकरार करेंगे, आपको धमकियाँ देते हैं कि एक मुल्ला एक पना मुजीर एक दहशतगर्द आगे कहता है शियो यहाँ से निकल गया तुम या तुम्हारा गिलगित बल्तिस्तान को तुम्हारा हमें ये कह रहा है, हम हमारे आसान से एतराज करें, देखिए हमें तो आगे लोग के मन में जाए हमारे अजान अशदान ना मालूम मैं नहीं कह सकता हमको यहाँ गिलगित में बैठ के
इतना यूनिट जारी हो रहा है। लिहाजा जवानों तैयार हो गई, हद हो गई, हर चीज में काम कराना। इन्होंने बंदे को कर दिए, हर दफ्तर में जाए हमारे खिलाफ, हर दफ्तर जाए। लिहाजा इसके बाद आप बेदार रहोगे ना, हमारे सारे हुकूक हासिल हो जाएंगे। साथ दोगे ना, रोकते वक्तन वक्तन, ये एक एक रोक लाग वक्तन वक्तन, जिल्लत में धरने वक्तन वक्तन एहतजाजा। जब भी हमारे पर जुर्म हो, सितम हो, ना इंसाफी हो, वहां पे एहतजाज और गड़बड़ करते रहेंगे तो फिर ये ठीक हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे। देखिए उनकी धमकियों में आके हमारे 12 बच्चों को एनपीओएम पे उतार देते, हम कामों में बैठे हैं और हम भी अभी धमकियां देंगे इंशाल्लाह इसके बाद। या फिर साफ करेंगे कानून सब पे एक जैसा है, जो दबाव में आके खुद दबाव में आके हमारे अपराध को गिरफ्तार करवाते हैं और हमें हक नहीं दबाव में आके अपने बच्चों को आजाद करो, हमें हक नहीं। ये दबाव में आके हमें गिरफ्तार करवाए, दहशतगर्दी के दफरे लगाए और हमें हक नहीं है कि हम दबाव में डाल दें और अपने असीरों को राय दिलाएं, अपने खराब होने वाले गिरफ्तारी एफ आई आर को कैंसिल करवाने का हमें कोई अख्तियार नहीं। ये सारे फैसले कौन करता है? एक मुल्ला फसानी मुल्ला करता है। इसको इतनी जरूरत हुई, हमने उसको गिर दिया, उसने हमारे कायद को शहीद करवाया, हमारे 18, 16 और 10 अफराद को शहीद करवाया, हमने कुछ नहीं किया। और अब ये इतना जरी हो रहा है कि अब हमारे कायद के ऊपर इंटरफेयर करने लगा है। लिहाजा इनको तमाम इधर गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत से, इंतजामिया से और मुसलमान वाज से स्पष्ट गुजारिश करता हूं, उसको लगा दे, आग लगाने की साजिश निकालता है। ये चंद दहशतगर्दों के जरिए से आए दिन धमकियां दे रहे, बदामने की धमकियां, खून खराबे की धमकियां और आए दिन कत्लोगार की धमकियां दे रहा है और उसको कोई कुछ कहने वाला नहीं, उसको सपोर्ट किया जा रहा है। दो गाड़ियां हैं आगे पीछे बिठा के उन्हें एक पूरे काफिले के साथ मस्जिद में लाना, मस्जिद से ले जाना, इतना ये इनका लड़ला हुआ है। दहशतगर्द को इतना सपोर्ट दे रहे हैं और ये सब कुछ जो हो रहा है उसी दहशतगर्द की वजह से हो रहा है। उस दिन यौम हुसैन में बहुत सारे अहले सुन्नत के हमारे भाई आए थे, मैंने अमन की खातिर पैगाम दिया, मैं इस हद तक दैर वामन की खातिर, भाईचारे की खातिर, इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन की खातिर, फितारियत के खात्मे की खातिर इस हद तक मैं तैयार हूं कि एक एक हमारे एक गांव में पढ़ेंगे मुश्तरका, एक एक उनके एक गांव में पढ़ेंगे मुश्तरका, एक जुमा हमारे मस्जिद में पढ़ेंगे, एक जुमा उनके मस्जिद में पढ़ेंगे, जिस तरह खाने कारों में हम मुश्तरका के पढ़ते हैं। ये क्या जवाब देते हैं? क्या जवाब देते हैं कि इस तरह नमाजें पढ़ने से तो अमन कायम नहीं होता है? तुम उमर की डे अपने मस्जिद में मनाओ, हुसैन की डे हम अपने मस्जिद में मनाएंगे। भाई हम मुशरकात की बात करते हैं, आए मुशरकात में, आप तो जानते हैं हम उनको नहीं मान के विषय है। आप इतना शुक्र करें आपके मुकद्दस आपके एहतराम करें, इतना शुक्र करें, हमसे तवक्कु करें, हम उनके डे भी मनाए अपने घर। हम अपने जवानों को रोक रहे हैं, ये काफी नहीं है। हमारे मुस्तैदीन ने फतवा दिया है अहले सुन्नत के मुकद्दस के तौहीन में करने का, ये काफी नहीं आपके लिए? और फिर इससे ज्यादा तौर पर इत्तेहाम से, हाँ जब असहाब चंद अफराद जिनको हम नहीं मानते उनको छोड़ के बाकी असहाब के लिए मुश्तरक को नहीं आते, सलमान फारसी का जिक्र हो, अबू दर्द का फारिक का जिक्र हो, हजरत बिलाल का जिक्र हो, अम्मा यासीन का जिक्र हो, ये असहाब के
ہم کے اعلان مبادر واجب ہے چاہے ہم ان کے لیے مشترک ہے صحابتیں منائیں گے جو ہم آپ کے درمیان مشترک ہیں لہٰذا اب کیونکہ یہ فتنہ گر موجود ہے آج تک گلگت بلتستان کے اندر جو خون خرابہ ہوا ہے اسی فتنہ گر اس کے بعد سے ہوا ہے